में निकल दिए हैं, और किसी का कोई भी कंसेप्ट हो मैं हर कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ही नहीं करता हूँ, बिल्कुल उसको संतुष्ट करता हूँ कि यह सच्चाई है। और सच्चाई यह है साथियों कि सारी बीमारियों की जड़ कोई और नहीं, सारी बीमारियों की जड़ हम सब ही बैठे हैं, हम खुद हैं अपनी बीमारियों की जड़। हमने अपने आप को नहीं पहचाना, बाबा साहब को जाना जाना है बस, ना बाबा साहब को माना है ना बाबा साहब की बात को माना है। अभी तक हमने सिर्फ बाबा साहब को जाना ही जाना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या कहा, हमने किसी ने कुछ नहीं किया। और साथियों संगठन कैसे मजबूत बनेगा, संगठन ऐसे मजबूत बनेगा कि जब हम डेडिकेटेड होंगे। नौकरी हमको 2% आदमियों को मिली है, क्या हम 2% आदमियों ने बाकी हमारे 18% जो बाकी साथी बचे हैं उनके लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया। और एक बात एक ऐसी चीज है जो एजुकेशन, एजुकेशन जब तक हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे अपने नहीं होंगे, हमारे लेक्चरर्स में नहीं होंगे, हमारे बीसी हमारे हमारे खाली बैठे हैं रिटायर्ड उनको हम बीसी बनाए, हमारे जजेस रिटायर बैठे हैं तो सर में मक्खी मार रहे हैं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, हमारे हाई कोर्ट जस्टिस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसने नंबर वन के जो सबसे ज्यादा जस्टिस किए हैं, उस ऐसे इंसान को जेल में डाल दिया जाता है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। साथियों हम सब जिम्मेदार हैं, साथियों जो हमारी जो सबसे मेन जड़ है किसी भी चीज को उठाने की और गिराने की वो एजुकेशन है, और एजुकेशन हमारी छीनी जा रही है, और हमें वो एक एजुकेशन ही हमारा एक ऐसा जरिया है जो बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। हम हर आदमी साथियों ये हमारी ड्यूटी बनती है, जिसको नौकरी मिली है वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख और 10 लाख तक की हमारी कैपेसिटी है, हम इकट्ठा करके अम्बेडकर राइट बौद्धा एजुकेशन ट्रस्ट हम स्थापित करें, और यहाँ हर स्टेट में 2-2, 4-4, 10-10 साल से जो है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेटल करें, और उसमें सारे हमारे ही टीचर यानी लेबर क्लास से लेकर और जो है विषय तक हम अपने ही उसको जो है वहाँ लगाएं, हमारी वहाँ जो संस्कृति का विकास होगा, हमारे धर्म का विकास होगा। हम वहाँ प्रेयर नहीं कराएंगे, हम वहाँ सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कराएंगे, हर रोजाना वहाँ अंधविश्वास पर एक स्टोरी सुनाई जाएगी, वहाँ एक महापुरुष पर कहानी सुनाई स्टोरी सुनाई जाएगी जो हम कभी भी नहीं सुनते हैं। हम कौन सी शिक्षा देते हैं आज, हमारी मात्र पेट भरने तक की शिक्षा देंगे, हम मात्र पेट भरने की शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षा हमारी होनी चाहिए जो हमारे जो इतिहास की शिक्षा है वो हमारी पढ़ाई नहीं जाती, और जिस समाज का जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता, और जो इतिहास नहीं बना सकता वो समझ लीजिए कि जो पिछला इतिहास था तुम्हारा वो आज तुम्हारा आने आने वाला है, और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अभी बहन कह रही थी कि हम नेता समाज से नेता नहीं मिल सकता, बहन जी हमें नेता से मिलने की जरूरत नहीं है, हमें नेता के आदेश मांगने की जरूरत है, हमें ये देखना है कि हमें जो काम दिया क्या हमने वो काम पूरा किया है। अरे आप एक MP MLA तो क्या एक मेंबर सरपंच बन कर देखिए धन लिख जाते हैं, और उन्होंने जो है देश के सबसे देश कम कम जो है स्टेट के अंदर 4 बार सरकार बनाई, और हम उन पर भी उठा रहे हैं, हमें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है, हमें उनके आदेश की जरूरत है कि जो आदेश आता है हम उसको ओबे करें, ये हमारी ड्यूटी है। आप वो हमें देखना चाहिए कि उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, उन्होंने सरकारें चलाई हैं, उन्होंने कैसे चलाई हैं, पूरे विश्व में उनको लोग पुरुष मान लिया है, हैं? और हम उन पर उंगली उठा रहे हैं, हमें अपने आप देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमें ड्यूटी दी है क्या हमने पूरी भी की है या नहीं। तो बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूं, और साथियों मैं बहन जी का भी और कोई भी कॉन्सेप्ट साथी किसी को क्लियर कराना हो कि मैं पॉलिटिकल रिलीजियस एंड ये सोशल ये मैं जो है दीन और इकोनॉमिकल भी मैं चारों उस पर जो हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, और कोई भी कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहें साथियों सारी बीमारियों की जड़ है मेरे पास में, लेकिन डॉक्टर कितना ही अच्छा हो यदि
कि उसके पास संसाधन नहीं होंगे तो साथियों इजाजत नहीं कर सकता। और संसाधन हमें करने होंगे कि जितने भी अनपढ़ आदमी है वो जो है अम्बेडकर आए वो दर एजुकेशन सोशल ट्रस्ट बनाए। और हमें जो है ये करना है कि भाई हमने 1 लाख ये समाज के लिए दिया, 2 लाख समाज के दिया, 10 लाख समाज के लिए दिया, वो हमें ट्रस्ट बना करके हमारे IAS हैं, हमारे जजेज हैं, वो रिटायर बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में हम ट्रस्ट बनाए, उनकी ड्यूटी लगाए, उनको सम्मान मिलेगा, टाइम मिलेगा और हमारा समाज हम हर दृष्टि से आगे। तो चलो साथियों समय नहीं है, वैसे मैं जो है अपने मैसेज जो है गीत के माध्यम से भी देता रहता हूँ। मेरे सारे जो गीत हैं वो जो है एक संदेश होते हैं। अब टाइम नहीं है, अभी